हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही पॉपुलर और सबको पसंद आने वाला स्टार्टर हरा भरा कबाब। और इसे हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हरा भरा कबाब। सबसे पहले हमें पालक को ब्लांच करना है और मैंने यहाँ हाफ बंडल जितनी पालक ली है, ऑलमोस्ट 100 से 125 ग्राम जितनी। एक बार पानी जब उबलने लगे उसके बाद हमें पालक डाल देना है गर्म पानी में और इसे हम गर्म होने देंगे 1 से 2 मिनट तक, जब तक पालक सॉफ्ट ना हो जाए। ये हो गया है, अब हम इसे निकाल कर डाल देंगे बर्फ वाले ठंडे पानी में, जिससे इसका कलर चेंज नहीं होगा। पालक ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे ले लेते हैं मिक्सी के जार में। पानी को हटा देंगे। इसी के साथ हम पीसने मिलेंगे 5 तीखी वाली हरी मिर्च। आपके पास अगर तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है तो आप रेड मिर्च भी यूज कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हरा धनिया स्टेम के साथ लेना है और 1 टेबलस्पून पुदीना। आप अगर मिंट का टेस्ट पसंद करते हैं तो डालें, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसे पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ग्रीन पेस्ट रेडी है। और एक बात जो मैं आपको कहना भूल गई थी वो है ये है कि जब भी आप पालक ले तो उसमें कम से कम पानी ले, जिससे आपकी पेस्ट एकदम थिक तैयार होगी। कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 मध्यम साइज के आलू लिए हैं। सबसे पहले हम इसे मैश कर लेंगे। आलू को हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब हमने जो पेस्ट बनाई थी वो डाल देंगे। इसी के साथ 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी। अब हल्दी क्यों? हल्दी डालने से ग्रीन कलर और भी अच्छे से एनहांस हो जाता है। और ये हम डालेंगे 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून गरम मसाला, आप कोई भी गरम मसाला यूज कर सकते हैं, जो रेगुलर कुकिंग में आप यूज करते हो वही डालें। नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा अदरक पिसा हुआ, ऑलमोस्ट 1/2 इंच टुकड़े को मैंने पीस लिया है। आप चाहे तो अदरक को पालक के साथ भी पीस सकते हैं। सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेंगे, उसके बाद कंसिस्टेंसी देखकर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। पहले हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और फिर कंसिस्टेंसी देखकर और भी आप ऐड कर सकते हैं। जब आप मिक्सचर लेंगे हाथ में, अगर ये इस तरह से स्टिक हो रहा है हाथ में, तो आप 1/8 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ऐड करें। फ्रेंड्स, हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसके छोटे छोटे डिस्क शेप के कबाब बना लेंगे। फिर हमें कुछ पोर्शन लेना है मिक्सचर का और हल्के हाथों से शेप देते हुए हमें फ्लैट डिश का शेप देना है। इसी तरह फ्रेंड्स, हमारे कबाब को हमने शेप दे दिया है। अब हम इसे कोट करेंगे ब्रेड क्रम से। कोटिंग करने के लिए हमें मिक्सचर बनाना होगा, जिसके लिए हम लेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें हम डालेंगे 1/4 कप इतना पानी और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हमने एक मिक्सचर तैयार किया है, जिससे कबाब को हमें ब्रेड क्रम्स कोट करने में आसान होगा। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
कबाब बनाने के लिए किस तरह के ब्रेड क्रम्स यूज करने हैं, ये स्पेशली कटलेट बनाने के ब्रेड क्रम्स लोकल बेकरीज में इजीली मिल जाता है, वही लेना है। और ये बहुत हार्ड होते हैं, इसमें से कुछ जो पीसेस है वो मैं दिखाती, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, आप इसे हाथ से प्रेस करके भी तोड़ नहीं सकते, इतने हार्ड होते हैं। और उसी से ये ब्रेड क्रम्स बनता है। इसकी जगह आप जो टी रस्क आता है उसे पीस कर आप यूज़ नहीं कर सकते, उससे रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी, बहुत ही सॉगी और सॉफ्ट बनेंगे कबाब। और इसकी जगह आप फ्रेश ब्रेड को पीस के भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसे डिप करना है इस तरह से कॉर्नफ्लावर और मैदे के मिक्सचर में, और फिर हम इसे ले लेंगे ब्रेड क्रम्स वाले मिक्सचर में और इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। हमें इसे सिंगल कोट और एक पतला कोटिंग ही देना है। ये हो गया है और इसे हम हटा देते हैं। मैंने यहाँ कबाब को एक ही बार कोट किया है, आप चाहें तो इसे डबल कोट भी कर सकते हैं, तो कबाब बहुत ही अच्छे से बहुत क्रिस्पी बनेंगे, जिस तरह से हम वेजिटेबल चॉप और कटलेट में करते हैं। लेकिन मुझे यहाँ इसका ग्रीन कलर थोड़ा थोड़ा चाहिए था, तो मैंने यहाँ इसे डबल कोट नहीं किया है। ट्रेडिशनल वही रेस्टोरेंट लुक देना है तो आपको काजू लगाना होगा, और क्योंकि हम इसे सैलो फ्राई कर रहे हैं तो हम काजू लगा सकते हैं। डीप फ्राई बार निकल जाता है तो आप तलने के बाद भी डाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आपको डीप दबाना होगा। फ्रेंड्स, हमारे कबाब रेडी है, अब हम इसे सैलो फ्राई करते हैं। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और इसी कबाब को अगर आप डबल कोट करते हैं ब्रेड क्रम्स में तो बहुत अच्छे से क्रिस्पी होंगे, लेकिन कलर थोड़ा सा डल हो जाएगा। कबाब को सैलो फ्राई करने के लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रखा था, ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब हम कबाब को प्लेस कर देते हैं। कबाब दोनों ही साइड से क्रिस्पी और हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से बाकी बचे कबाब को भी हम सैलो फ्राई कर लेंगे। अब चटनी बनाने के लिए हम लेंगे 1 handful जितना धनिया, 1 चम्मच पुदीना के लीफ, 3 तीखी वाली हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, 1/2 teaspoon काला नमक, 1/2 teaspoon जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, क्योंकि हम यहाँ काला नमक यूज़ कर रहे हैं तो आप सफ़ेद नमक थोड़ा सा कम डालें, 2 tablespoon दही, दही मैंने यहाँ गाढ़ा लिया है, पानी वाला नहीं लेना। और अब हम इसे पीस लेते हैं जिससे हमारी चटनी रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी चटनी रेडी है, अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में। फ्रेंड्स, हमारा हरा भरा कबाब सर्व होने के लिए रेडी है। इसे हम सर्व करेंगे थोड़े से सैलेड और जो हमने चटनी बनाई थी उसके साथ। तो होपफुली फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो और रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल प्योर रेसिपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लिए, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।